हुस्न अखलाक, सुभान अल्लाह, हुस्न अखलाक। दुनिया में बाज लोग जिस्मों पे हुकूमत किया करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने नबी के अखलाक का हिस्सा नसीब फरमा दे। ये जिस्मों पे नहीं, ऐसा शख्स दिलों पे हुकूमत करता है, दिल इसकी तरफ खींचते हैं, दिलों का इसकी तरफ मेलान होता है, दिलों की मोहब्बत और मिठास इसकी तरफ चली आती है। हुस्न अखलाक से दिल मानूस होते हैं, दिल करीब होते हैं, दिलों में एक दूसरे के लिए कशिश पैदा होती है। हुस्न अखलाक अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। अच्छा, आपका कोई मुलाजिम हो और मातहत हो, मातहत हो, मुलाजिम हो, मातहत हो, तनख्वाह आपसे ले, मजदूरी आपसे ले, खाने पीने के अखराजात आपसे ले, खुशी के मौके पे तोहफे हदीये आपसे ले, और बताइए आपका काम न करे, आपकी बात न माने, आपने जो जिम्मेदारी डाली है वो पूरी न करे, आप कहेंगे ये बड़ा बाखलाक आदमी, कहेंगे नमक हराम, बड़ा एहसान फरामोश, बड़ा एहसान फरामोश। हम इतना कुछ करते हैं और इसकी हरकत देखें, खाता इधर है, काम किसी और करता है। तो मेरे अजीजो, वो आदमी कभी बाखलाक नहीं हो सकता जो मोहसिन हकीकी की नेमतें खाए और फिर उस मोहसिन के एहसान फरामोशी करे। इसलिए काफिर कभी बाखलाक नहीं होता, इसलिए काफिर कभी बाखलाक नहीं होता, इसलिए मुशरिक कभी बाखलाक नहीं हो सकता। जिस मोहसिन हकीकी ने पैदा किया, नेमते दी और उसके एहसान फरामोशी करे, कोई बाखलाक हो सकता है? ये परले दर्जे का बद अखलाक, ये तो परले दर्जे का बद अखलाक आदमी है। हुस्न अखलाक का मतलब यह है उस मोहसिन की भी एहसान फरामोशी ना हो और अल्लाह के बंदों के साथ भी ना इंसाफी और ज्यादती ना हो, ये बा अखलाक आदमी। इसलिए काफिर कभी बा अखलाक नहीं हो सकता, मुशरिक काफिर कभी बद अखलाक बा अखलाक नहीं हो सकता, इसलिए कि वो तो उस मोहसिन का एहसान फरामोश है जिसने उस पर नेमतों की हद कर दी, जिसने उसे पैदा किया है और उसकी बका के लिए अनगिनत नेमतें दे रखी हैं, उसका नाफरमान और एहसान फरामोश है, उसका अखलाक से क्या ताल्लुक, उसका अखलाक से क्या ताल्लुक है? बाअखलाक आदमी, हुस्न अखलाक जिस पर हमारे पैगंबर फाइक थे, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के सबसे आला दर्जे पर। वो क्या है कि उस मोहसिन हकीकी की भी एहसान फरामोशी नहीं, उस मोहसिन हकीकी की भी एहसान फरामोशी नहीं और बंदों के भी हक तलफी नहीं, बंदों के भी हक तलफी नहीं और मखलूक खुदा के जो हुकूक और जिम्मेदारियां इसके सुपुर्द हैं उनमें भी कोताही न करे और अल्लाह के बंदों के लिए भी मूजी और तकलीफ का बायस न बने, ये वो अखलाक है। इस अखलाक के बारे में अल्लाह के नबी ने ये बताया, कोई शख्स जिंदगी भर तहज्जुद में गुजार दे, कौन कर सकता है? और मैं कोई जिंदगी भर रोजे से हर दिन गुजार दे, कौन कर सकता है? अगर हम एक महीने रोजे रखें और एक महीने रात भर तहज्जुद पढ़ते रहें, बड़ा बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग आदमी, रात भर तहज्जुद पढ़ता है, दिन भर रोजे रखता है, बड़ा बुजुर्ग। अल्लाह के नबी फरमाना कि सारी जिंदगी कोई ऐसा कर ले, सारी जिंदगी जो मर्तबा उसे मिलेगा अच्छे अखलाक वाला वही खड़ा, अच्छे अखलाक वाला वही खड़ा होगा। बाअखलाक आदमी की ये कदर और कीमत है और अखलाक की मीजान के तराजों में ये वजन है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दो आदतें और खसलतें ऐसी हैं जो पुश्त पर बड़ी हल्की हैं, मीजान के तराजों में बहुत भारी हैं, उनमें एक है खामोश रहना, फजूलियात से एहतियात करना, और दूसरा है हुस्न अखलाक। फिर अल्लाह के नबी फरमाने लगे, कसम है उस पाक जात की, अल्लाह के नबी को कसम खाने की क्या जरूरत,
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفقت میں، خیر خائی میں کہنے لگے قسم اس ذات کی، قسم کھا کے کہنے لگے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دو چیزیں بے مثل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، مخلوق کے اعمال میں یہ دو چیزیں بے مثل ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ کسی کی نام اعمال میں یہ دو خوبیاں آ جائیں، مثالی آدمی ہے، اور اس کا میزان کے ترازو کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاق کا صحیح مفہوم بھی ہر وقت ذہن میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کی کرنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔